हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जिसको मीठा खाना पसंद हो वो ना ही मीठा खाने का कोई मौका ढूंढता है, ना ही किसी त्योहार का इंतजार करता है। यदि आप भी मेरी तरह मीठा खाने के शौकीन हैं तो लिख भेजिए मुझे कमेंट में, ताकि मैं आपके साथ और भी मीठी मीठी रेसिपी शेयर कर सकूं और आपके बहाने मुझे भी मीठा खाने का मौका मिल जाए। तो चलिए, बातों को यहीं पर विराम दिया जाए और किचन में जाकर कुछ मीठा बनाया जाए। चना दाल बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे हम चना दाल। तो टोटल ये 1 कप चना दाल है। तो जो सारे मेजरमेंट लेंगे वो कप के हिसाब से ही लेंगे, या फिर आप कप ना लेकर कोई भी एक बोल ले सकते हैं सेम मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये 1 कप चना दाल ले ली है। चना दाल को हम 2-3 बार पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। चना दाल को धोने के बाद दोबारा इसके अंदर पानी डाल देंगे और अब इसे हम भीगने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए। 5 घंटे बाद आप देख सकते हैं चना दाल काफ़ी अच्छे से फूल गई है। तो अब इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देते हैं। तो इसे हम छलनी में इस तरह छानते हुए एक्स्ट्रा पानी निकाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख छोड़ते हैं, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी इसमें रह गया है वो निकल जाए। तो आधे घंटे बाद हम दोबारा इसे चेक कर लेते हैं। तो जो सारा पानी है वो निकल चुका है दाल का। तो अब इस दाल को हम एक कॉटन के टॉवल के ऊपर डालेंगे और जितना भी अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा पानी लगा हुआ है उसे इस टॉवल से पोंछ लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम दाल को घी के अंदर रोस्ट करेंगे तो घी के छींटे नहीं आएंगे और दाल बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं दाल को हमने अच्छे से पोंछ लिया है। तो अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लग रहा है हाथों के, तो अभी एकदम परफेक्ट है। इसे वापस एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर डालेंगे घी। तो टोटल हमने 1 कप चना दाल के लिए 1 कप घी लिया है, लेकिन हम सारा घी अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1/4 कप घी हम अभी डाल देंगे और बाकी बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इस घी के अंदर हम ये चना दाल डाल देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पर इस चना दाल को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब हम चना दाल की बर्फी इस तरह से बनाते हैं तो ये बहुत ही दानेदार और मुंह में घुल जाने वाली बनती है। नहीं तो चना दाल बर्फी बनाने के कई तरह के मेथड्स होते हैं, लेकिन ये जो मेथड है वो बहुत ही आसान भी है। और दूसरा कि ये जो चना दाल है वो हमने घी के अंदर रोस्ट कर ली है और फिर हम इसे ठंडा करके ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाएंगे। तो उस पाउडर को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं लंबे समय तक, और जब भी आपको बर्फी बनानी हो आप उससे बर्फी बना सकते हैं। तो कुछ ही देर में आपकी बर्फी तैयार हो जाती है। तो अब आप देख सकते हैं चना दाल सिकुड़ने लगी है जैसे जैसे घी में रोस्ट हो रही है, और इसका कलर भी चेंज होने लगा है। चना दाल को हमेशा आप लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करें, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। यदि अभी चना दाल कच्ची नहीं रही तो बाद में हमें इसे कम रोस्ट करना पड़ेगा। यदि चना दाल में थोड़ा कच्चापन रह गया है तो इसे आप बाद में ज़्यादा रोस्ट कर लें। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट है। जब हम इसे रोस्ट कर रहे हैं तो इसमें हल्के क्रंच की आवाज़ आ रही है। तो चना दाल अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। हम इसे एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दाल को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। दाल को हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा दानेदार सा ही रखना है, ताकि जो बर्फी बने वो भी एकदम दानेदार बने। तो ये देखिए इस तरह दाने दाने से हैं इसके बीच में। तो जो बर्फी बनेगी वो भी बहुत ही दानेदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आप इस पाउडर को चाहे तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो चलिए अब इसे हम बर्फी बना लेते हैं, क्योंकि हम अभी स्टोर करके इसे नहीं रख रहे हैं। तो मैं आपको बर्फी बना के दिखाती हूँ इसके लिए। तो दोबारा से हम सेम कढ़ाई ले लेते हैं और जो घी बच गया था उसमें से आधा घी हम डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर, और जो ग्राइंड करके चना दाल हमने रखी है वो इसके अंदर डाल लेते हैं। इसे थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, और यदि आपको इसमें घी सफिशेंट लगे तो आप घी और यूज़ ना करें, लेकिन इसमें घी की अभी कमी है तो जो बचा हुआ घी है हम वो डाल देते हैं इसके अंदर।
तो बर्फ़ी बनाने के लिए बहुत ही बेसिक सा मेज़रमेंट होता है। जो भी आप मेज़रमेंट करके चीज़ें लें, चाहे एक बोल से लें या फिर कप से लें, सारी चीज़ें सेम ले लें, तो इससे जो बर्फ़ी बनेगी वो एकदम परफेक्ट बनेगी। अब क्योंकि चना दाल को हमने पहले से ही अच्छे से रोस्ट कर चुका है, तो बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है इसे। बस 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं, ताकि यदि इसमें कच्चापन रह भी गया है तो वो भी निकल जाए। तो अब आप देख सकते हैं चना दाल है वो थोड़ी सी कलर में लाल दिखाई देने लगी है। ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है जब हम इसे घी में रोस्ट कर रहे हैं। तो अब बारी आती है इसमें दूध डालने की। 1 कप चना दाल के लिए हम 3 कप दूध ले लेंगे। दूध के बजाय आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पानी के बजाय दूध का इस्तेमाल करने से बर्फ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये दूध हमने इसमें डाल दिया है, और साथ ही कुछ केसर के धागे मैंने दूध में भिगो के रखे थे, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं, तो इससे और भी अच्छा टेस्ट और कलर आएगा बर्फ़ी के अंदर। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जब भी आप बर्फ़ी बनाएं, तो इसके लिए आप क्या करें कि 1 कप जो चना दाल लिया उसके लिए 3 कप यानी 3 गुना आप दूध या पानी ले लें। अब जैसे ही दूध इसके अंदर पकेगा, तो चना दाल है वो सारा दूध अब्सॉर्ब कर लेगी। अब आप देख सकते हैं चना दाल ने सारा दूध अब्सॉर्ब कर लिया है, तो इस स्टेज पर हम डालेंगे इसके अंदर ये 1 कप दूध की मलाई। आप चाहें तो मलाई की जगह खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार हर जगह खोया अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में आप दूध की मलाई का इस्तेमाल करें, तो वो ऐसे खोया की तरह ही काम करेगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। तो ये 1 कप मलाई हम इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मलाई को भी हमने इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब बारी आती है इसके अंदर चीनी डालने की। तो वैसे तो जितनी हमने चना दाल ली है उतनी ही इसके अंदर चीनी डाली जाएगी, लेकिन यदि आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं या कम मीठा खाना पसंद करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब चीनी को भी हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब जैसे ही चीनी दाल के अंदर जाएगी और पकेगी, ये पानी छोड़ना शुरू कर देगी, और एक बार जो ये मिक्सर है बर्फी का वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, तो हमें इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक ये सारा पानी सूख न जाए और दाल है वो थोड़ी हार्ड ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो गई है, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो इस तरह से आप चाहें तो चना दाल का हलवा भी बना सकते हैं। तो हलवा बनाने के लिए आप इसे इस स्टेज पर ही छोड़ दें। तो हम क्या करेंगे कि इसमें खुशबू के लिए अब इलायची का पाउडर मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है बर्फ़ी का मिक्सचर, और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर डाल देते हैं ताकि बर्फ़ी खाने में और भी टेस्टी लगे। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो ये देखिए बर्फ़ी का मिक्सचर हो गया है तैयार। तो अब हम एक ट्रे ले लेते हैं, और इस पर मैं एक एल्यूमिनियम फॉयल लगा लेती हूँ, ताकि जब हम इसे डिमोल्ड करें तो इजीली इसे डिमोल्ड कर सकें और कट कर सकें। आप चाहें तो एल्यूमिनियम फॉयल ना लेकर कोई भी बटर पेपर या फिर स्टील की प्लेट ले सकते हैं और इसे घी से ग्रीस कर सकते हैं। तो मैं इस फॉयल को भी थोड़ा घी से ग्रीस कर लेती हूँ, और अब जो बर्फ़ी का मिक्सचर हमने बना के रखा था वो इसके अंदर डालकर सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से जब हम बर्फ़ी बनाते हैं तो ना ही अलग से चाशनी बनाने का हमें झंझट करना पड़ता है, और ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, और दूसरी ये बहुत ही ज़्यादा दानेदार भी बनती है। इसे हमने ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया ताकि ये देखने में अच्छे लगे। तो अब इस बर्फ़ी को मैंने ये 2 ट्रे में सेट कर लिया है। इसे हम 6 से 7 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो फॉइल को हम बाहर निकाल लेते हैं ताकि इसे पीसेस में काटना आसान रहे। तो देखिए कितनी लाजवाब लग रही है। और कोई भी बर्फ़ी आप बनाएं या कोई भी मीठी रेसिपी आप बनाएं, उसका जो टेस्ट होता है वो धीरे धीरे और भी बढ़ जाता है। अभी आप देखेंगे कि बर्फ़ी हल्की सी मुलायम रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा खस्ता भी हो जाएगी। तो बर्फ़ी को हमने इस तरह चौकोर पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इस बर्फ़ी को 15-20 दिन के लिए आराम से फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। अब ये देखिए तोड़ेंगे तब ये कितनी जूसी है एकदम, और बहुत ही नरम और दानेदार है ये बर्फ़ी। तो
तो यदि आप भी हैं मीठा खाने के शौकीन तो ये बर्फी जरूर बनाएं। और यदि आज का ये वीडियो आपको आया है पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, कैसे लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देखें। यदि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक जरूर करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।